नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 की अंतिम रैली पीएम मोदी की पंजाब के होशियारपुर में है, और बता दें आपको वहां पर इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीधे वहां से भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी विवेकानंद मेमोरियल रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पंजाब के होशियारपुर में सिखों के बलिदान को याद कराते नजर आए देश के प्रधानमंत्री, और साथ ही कहा कि पंजाब में ये आम आदमी पार्टी जो कहकर आई थी कि हम पंजाब में नशा को दूर करेंगे, छोड़िए, आज नशे के गोद में बैठकर कारोबार कर रही है, सरकार चला रही है और कांग्रेस की गोद ली गई पार्टी है। कांग्रेस की सहायता से इसने दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब को भी बेहाल किया। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी सात पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपका मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा, हर गरीब को, दलित को, पिछड़े को विकास की नई ऊंचाई देना चाहता है। हमने साहेब जादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया, और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिबद्धता केरल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, आसाम के बच्चे को भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चे को पता होना चाहिए, बंगाल के बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के द्वारा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वीर बाल दिवस की परंपरा शुरू की है। हमने हरमिंदर साहब के लंगर को टैक्स से मुक्त किया, विदेशी भक्त भी सेवा के लिए दान दे सके, इसके लिए हमने नियमों में छूट भी दी है। साथियों, विकसित होते भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की स्वार्थ की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इनका वोट बैंक, जो वोट बैंक के प्रति उनका प्यार था कि बंटवारे के समय के हमारे करतारपुर साहिब पर भारत का अधिकार नहीं जता पाए, यही लोग हैं जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। अपनी तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन सीएए का भी विरोध कर रहा है। साथियों, आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला गौंड दिया था, जब 84 के दंगों में
सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक है। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार मोदी को नई नई गालियां देते रहते हैं। भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर झूठवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, और लोग भूले नहीं कि झूठवादी पार्टी ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार दोनों को बर्बाद कर दिया है। ये कट्टर भ्रष्टाचारी, भयंकर झूठवादी तो नारी उत्पीड़न में भी नंबर वन बनते जा रहे हैं। आज दिल्ली से लेकर पंजाब तक इनके कारनामे दुनिया देख रही है। इनके नेता का ठिकाना नहीं, नीति फर्जी, नारे फर्जी और नियत में भी खोट है। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को
गली का गुंडा कहा था और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था। यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और इसलिए चुनाव की मेरी आखिरी सभा में गुरु रविदास जी की पवित्र भूमि से, गुरुओं की पवित्र भूमि से, वीर बलिदानियों की पवित्र भूमि से मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, भारी मतदान कीजिए और जहां जहां भाजपा एनडीए के उम्मीदवार है वहां भारी बहुमत से विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। आपसे 1 जून को पंजाब की हर सीट पर कमल खिलाने के लिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। होशियारपुर से बहन अनीता सोम प्रकाश जी और आनंदपुर साहब से मेरे पुराने साथी कार्यकर्ता सुभाष शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, मुझे आपसे जवाब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे, गांव गांव कमल खिलाएंगे। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं पूरी ताकत से बोलो तो बताऊंगा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे। देखिए यहां से जाने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो भी देवस्थान हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर जाना और मोदी की तरफ से वहां माथा टेकना और हमें गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए, हमें हमारे परमात्मा से आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आशीर्वाद मोदी के लिए नहीं मांगना है, आशीर्वाद मोदी के परिवार के लिए नहीं मांगना है, आशीर्वाद मांगना है विकसित पंजाब बनाने के लिए, आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए। और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरा ये काम जरूर कीजिए, हर गुरुद्वारे पर जाकर के, हर देवस्थान पर जाकर के मेरी तरफ से मत्था जरूर टेकना। मेरे साथ बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों बता दें आपको, उन्होंने एक और बात कही कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मोदी मुंह खोलेगा तो सात आपके पुश्तों की पाप खोल कर रख देगा। बता दें आपको, यहां पर कांग्रेस पर जमकर हमला है पीएम मोदी का, और पीएम मोदी ने कहा साफ तौर पर कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, सात पीढ़ी के पाप आपके निकाल कर रख दूंगा। जाहिर सी बात है, सात पीढ़ी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस की जरूर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो छोड़ दो, इनके तो कारनामे महिला विरोधी पंजाब से दिल्ली तक जा रही है, दिल्ली से पंजाब तक आ रही है। कैसे ये दिल्ली में ये महिला के साथ अत्याचार करते हैं, पूरे पंजाब को ड्रग्स के नशे में धकेल दिया, पंजाब का पैसा उड़ रहा है हवाओं में। बता रहे आपको, केजरीवाल पर जमकर खरी खोटी ये भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, जहां पर प्रधानमंत्री ही क्या पूरी आम आदमी पार्टी के विरोध में लड़ रही कांग्रेस पार्टी ये बात मानती है कि पंजाब का पैसा यहां पर केजरीवाल की वजह से भगवंत मान उड़ाते नजर आ रहे हैं। होशियारपुर में उन्होंने बोला कि मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि जब मैं यहां से भाषण देकर चला जाऊं तो आप सब गुरुद्वारे या फिर देवस्थान जाएं और वहां पंजाब की सभी सीटों पर यहां पर एक विजय प्राप्त करने के लिए भाजपा के लिए मनोकामना मांगे, शुभकामनाएं मांगे, क्योंकि मोदी देश का विकास जरूर करेगा। आज पंजाब के राज्य बाहर के देशों में जाते तो उन्हें पता चलता होगा कि देखिए पीएम मोदी जिस प्रदेश में गए उसी के स्टाइल से भाषण देते हैं, और बहुत ही शार्प राजनेता है, जाहिर सी बात है, इसी वजह से लगातार सत्ता संभालते नजर भी आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब के जो लोग हैं, जाहिर सी दर्शकों आपने को पता होगा कि सबसे ज्यादा पंजाब के लोग बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, या बात करें आप कनाडा, तो कनाडा में ज्यादातर पंजाबी सिख देखते नजर आते हैं, और इसी वजह से पीएम मोदी ने कहा कि आप जाइए बाहर तो पता चलता होगा कि देश का कितना मान सम्मान आज के समय में बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने तो सेना को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और यहां पर देखिए हवाई अड्डे के नाम को बदलने के लिए बात कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि मोदी आ जाएगा तो यहां पर श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर आदमपुर हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। सरकार इस दिशा में तेजी से काम करेगी, और इसी बीच उन्होंने बोला जनता से अपील है कि बहन अनीता सोम प्रकाश जी और श्री आनंदपुर साहब से सुभाष को बारी बारी बहुमत से जिताने के लिए मैं अपील करने आया हूं, आप सभी लोगों का, पंजाब के लोगों का मैं यहां पर सहयोग मांगने आया हूं। उन्होंने बोला ये लोग मेरा मुंह ना खुलवाएं, 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर लपेटकर कांग्रेस की सरकार ने मरवाने का काम किया था, और ये लोकतंत्र पर हत्या की बात करेंगे मुझसे और ये मुझे कहेंगे, इन्होंने तो खुद लोकतंत्र का गला घोटे, इनको सालों दशक बीत गए हैं, 60 साल से कांग्रेस ने पूरे देश का नाश कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक का रिपोर्ट मानते हैं, और केजरीवाल पर भी जमकर बरसते वो नजर आए। कह रहे हैं केजरीवाल तो एक शातिर चोर निकले, गजब के चोर निकले, शराब घोटाला कर दिया, दिल्ली की जनता को फ्री पिला दी, पंजाब के युवाओं को नशे में ढकेल दिया। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब का युवा नशे में धुत रहे? अगर नहीं चाहते हैं तो इस बार बीजेपी को इस बार भारी बहुमत से पंजाब के अंदर जिताइए। उन्होंने बोला 125 दिनों का रोड मैप मोदी ने तैयार कर लिया है, भाजपा ने रोड मैप तैयार कर लिया है, कैसे आज किसी भी माँ की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है, आज आपको इलाज के लिए रोना नहीं पड़ता है कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है, आज सभी के लिए मोदी ने मुफ्त इलाज मुफ्त राशन दिया है, और इसी तरीके से अगर आप बीजेपी को जिताएंगे तो एक बार फिर से भारत की सदी वापस लौटेगी। कांग्रेस की सत्ता में जितने भी कुकर्म कांग्रेस ने किए हैं, देश का जितना यहाँ देश को में पहुंचाया, उससे उभरेंगे हम, तो आप सबका सहयोग मैं चाहता हूं। उन्होंने बोला कि गरीब महिलाओं को अब अपनी बीमारी छिपाने की कोई मजबूरी नहीं है, गरीब महिलाएं अब अपना आराम से इलाज करा सके। देखिए दर्शकों, उन्होंने करतारपुर साहिब की बात की, कहा कि दूरबीन से देखने की जरूरत पड़ती है, इस कांग्रेस की वजह से हमें दूरबीन से देखने की जरूरत पड़ती है, और देखिए जरूर वो बात करते। इसके साथ छोटे साहिबजादों को, उनको भी मान सम्मान बढ़ाने का काम केवल बीजेपी ने किया, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, इन सब बातों को लेकर वो पंजाब पहुंचे हैं, और पंजाब में लोकसभा चुनाव की पीएम की आखिरी रैली थी और ये शानदार भाषण था, इसी वजह से, क्योंकि अब पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं कन्याकुमारी, तो देखिए एक प्रॉपर प्रोसेस में पीएम मोदी चल रहे हैं, भाषण उसके बाद ध्यान लगाएंगे, तो कहा जा रहा है कि एक विजन उनका बिल्कुल सटीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ रोड मैप तैयार नहीं है, पीएम मोदी का रोड मैप तैयार होता है, इसी वजह से बीजेपी के सभी नेताओं को ज्यादा मेहनत और अथक प्रयास करनी पड़ती है हर चुनावों में। देखने वाली बात होगी 1 जून को होगा पंजाब में वोटिंग, अगर आप पंजाब से, जरूर कॉमेंट कीजिए क्या चल रहा है वहां पर चुनावी माहौल। बहुत शुक्रिया।